नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिजबुल्ला ने इजरायली बेस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी प्रमुख माधवी बुच पर अदानी घोटाले में ऑफशोर फंड्स के संबंधों का आरोप लगाया। बिहार में पुलिस ने 850 करोड़ रुपए मूल्य का दुर्लभ रेडियोधर्मी कैलिफोर्नियम पत्थर बरामद किया। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुकी झोपड़ियां तोड़ी। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से पीटा, सामान में लगाई आग। बेंगलुरु की कैफे में छिपा हुआ मिला कैमरा, कर्मचारी पर मामला दर्ज। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसियो डेकोरेटिव सर्फेस, अक्रिलक इंटीरियर क्लैड्स, नूरानी लिबास, रेडीमेड टेक्सटाइल्स स्टिचिंग। ईवर्स, प्यार से घर संवारने दो। हिजबुल्ला ने इसराइल के सवेद शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक इसराइली बेस पर आत्मघाती ड्रोन के झुंड से हमला किया, जिससे कुछ सैनिक घायल हो गए। हिजबुल्ला ने एक बयान में कहा, शनिवार को इस्लामिक रेजिडेंस ने लड़ाकों ने मिशवे एलोन बेस पर आत्मघाती ड्रोन के झुंड से हवाई हमला किया। ये बेस सफेद के दक्षिण पश्चिम में स्थित उत्तरी कोर के बलों और आपातकालीन गोदामों का एकत्रण है, इसलिए इसके अधिकारियों और सैनिकों की जगहों को लक्षित किया गया और सीधे हिट किया, जिससे पुष्टि की गई और चोटें आई। बयान में कहा गया, इस हमले को शुक्रवार को लेबनान के सिदोन में एक हमास अधिकारी की हत्या के जवाब में बताया गया है। इस बीच लेबनानी सैन्य सूत्रों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, इजरायली ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के सीमा क्षेत्र में 6 गांवों और शहरों पर 10 हवाई हमले किए, जिसमें 3 नागरिक घायल हुए और 18 घरों को नष्ट कर दिया गया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सभी के प्रमुख माधवी बुच पर नया आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने और उनके पति ने अदानी पैसे की हेराफेरी के घोटाले में शामिल अस्पष्ट ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी रखी। एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने सेबी की अदानी के कथित अघोषित मॉरिशस और अन्य ऑफशोर सेल संस्थाओं की जांच में रुचि पर कमी की आलोचना की है। रिपोर्ट में व्हील्स ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया कि बुच और उनके पति की इन फंड्स में हिस्सेदारी थी। ये फंड जो विनोद अदानी, अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी के बड़े भाई द्वारा नियंत्रित होने का दावा किया गया। कथित तौर पर स्टॉक की कीमतों में वृद्धि और धन की पुनरावृत्ति के लिए उपयोग किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया था कि सेबी की जांचों में अदानी के ऑफशोर शेयरधारकों के वित्त पोषण के बारे में कोई परिणाम नहीं निकला। बिहार पुलिस ने शुक्रवार को गोपालगंज जिले में 50 ग्राम दुर्लभ कैलिफोर्नियम पत्थर, जो एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, उसे बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 850 करोड़ रुपए आकी गई है। ये राज्य में हाल ही के समय में पहली बार इस प्रकार के दुर्लभ पदार्थ की बरामदगी की। पुलिस ने चेक पोस्ट से रेडियोधर्मी पदार्थ के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक व्यक्ति पड़ोसी कुशीनगर जिले का भी है। सूत्रों के अनुसार ये रेडियोधर्मी सामग्री गुजरात से आ रही थी और चेक पोस्ट पर इसे रोका गया। कैलिफोर्नियम पत्थर की बरामदगी को लेकर पुलिस ने परमाणु ऊर्जा विभाग DAE से गहन जांच के लिए सहयोग मांगा। बिहार पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS भी गोपालगंज पहुंच रही है, ताकि जिला पुलिस की जांच में सहायता की जा सके। गोपालगंज SP स्वर्ण प्रभात ने पुष्टि की है कि कचाई कोर्ट पुलिस स्टेशन जिला खुफिया इकाई DIU विशेष ऑपरेशंस ग्रुप 7 SOG 7 और विशेष कार्यबल STF की संयुक्त टीम ने बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर चेक पोस्ट पर रेडियोधर्मी पदार्थ को जब्त किया है। कोलकाता पुलिस के एक सिविक वॉलंटियर को शनिवार सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसे जूनियर डॉक्टर्स द्वारा काम बंद और सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। आरोपी संजय राय को अस्पताल परिसर में आसान पहुंच प्राप्त थी और उन्होंने शुक्रवार सुबह 3:50 पर सेमिनार हॉल में प्रवेश किया, जो हत्या का स्थल था। पुलिस जांचकर्ताओं ने कहा कि रॉय को कई CCTV कैमरों में देखा गया, जो हेडफोन पहने हुए थे और आधे घंटे के बाद बिना हेडफोन के बाहर निकले। हेडफोन अपराध स्थल पर मिले। राज्य भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया और अस्पतालों में सुरक्षा प्रणाली के सुधार और एक निष्पक्ष जांच की मांग की, जहां कई महिलाएं रात भर काम करती हैं। छात्र संगठनों ने कई विरोध मार्च आयोजित किए, जिनमें से कुछ ने उत्तर कोलकाता के व्यस्त श्याम बाजार 5 बिंदु चौराहा पर घेराबंदी की।
संजय पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया है, जो युवा डॉक्टर के पिता द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायत और शव परीक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल और गोबर फेंककर हमला किया। ये घटना राज ठाकरे के काफिले पर शुक्रवार को पान के बीड़े और टमाटर फेंके जाने की प्रतिक्रिया में हुआ, जैसे कि एमएनएस कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं। पुलिस ने घटना की पुष्टि की और 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। थाने पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार औपचारिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ियों पर हमला किया। वहां रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर लाठी डंडों से पीटा, उनकी झोपड़ियां तोड़कर तहस नहस कर दी, सामान में आग लगा दी। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह उर्फ पिंकी चौधरी ने बातचीत में कहा, कवीनगर क्षेत्र के एक मैदान में 12 से 15 झुग्गी झोपड़ियां थी। हमें काफी समय से इनपुट मिल रहा था कि इनमें रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। उन्होंने बताया, हमने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर अत्याचार बंद हो। अल्टीमेटम के बावजूद बांग्लादेश में अत्याचार जारी रहा। इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने शनिवार दोपहर को मैदान पहुंचकर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ते हुए लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए देर शाम को हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्रीहोल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि निवास कर रहे लोग में इसे कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बेंगलुरु में एक चौकारी वाली घटना में एक महिला ने न्यू बीएल रोड स्थित थर्ड वेव कॉफी के एक लोकप्रिय कैफे में टॉयलेट में छिपे हुए स्मार्टफोन कैमरा को खोज निकाला। ये घटना शनिवार 10 अगस्त को हुई। स्मार्टफोन कथित तौर पर वॉशरूम की डस्टबिन पर रखा गया था और 2 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर रहा था, जब इसे खोजा गया। कैफे प्रबंधन को शिकायत करने पर पता चला कि स्मार्टफोन एक कर्मचारी का था, जिसे तुरंत निकाल दिया गया। थर्ड वेव प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया और कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एक मामला भी दर्ज किया गया है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए थर्ड वेव कॉफी प्रबंधन ने कड़ी शून्य सहिष्णुता नीति की पुष्टि की। हमारे ग्राहकों की सुरक्षा और भलाई हमारा हमेशा से ही प्राथमिकता रही है। इस घटना के संबंध में उचित कानूनी कार्यवाही की गई है, प्रबंधन ने कहा। जयपुर के होटल हयात में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तेलंगाना से आए एक मेडिकल व्यवसायी के बेटे के आशीर्वाद समारोह के दौरान एक 14 साल का नाबालिग दूल्हे की माँ का रुपयों और गहनों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। सिर्फ 1 मिनट के भीतर हुई ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साइबराबाद तेलंगाना के रहने वाले नरेश कुमार गुप्ता के बेटे की शादी वहीं की एक लड़की से तय हुई, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दोनों परिवारों ने जयपुर के हयात होटल में बुकिंग की। 8 अगस्त को दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग आशीर्वाद समारोह में मौजूद थे और इसी दौरान मौका पाकर एक नाबालिग ने दूल्हे की माँ के पास रखा सफेद रंग का बैग उठा लिया और वहां से चंपत हो गया। पुलिस ने होटल में लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के होटल से निकलने का रूट चार्ट बनाया और उसी को ध्यान में रखते हुए नाबालिग और उसके साथी की तलाश की जा रही है। शनिवार 10 अगस्त को सुबह लगभग 9:30 बजे विजयनगर कॉलोनी में आंध्रा बैंक के पास एक गंभीर दुर्घटना हुई। एक महिला डॉक्टर की जीप एक दोपहिया वाहन से टकरा गई, जिससे सवार को गंभीर चोटें आईं। सीसीटीवी फुटेज में दुर्घटना का दृश्य कैद हुआ, जिसमें जीप को दोपहिया वाहन से टकराते देखा जा सकता है। आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल सवार को चिकित्सा सहायता प्रदान की, वो अब भी गंभीर स्थिति में है। प्राधिकृत अधिकारी दुर्घटना की जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि कारण और आवश्यक कानूनी कार्यवाही का निर्धारण किया जा सके। हैदराबाद के आगापुरा के हबीब नगर से एक 12 वर्षीय लड़की का अपहरण हुआ। लड़की के माता पिता के घर पर न होने के कारण अपहरणकर्ता ने बिजली गुल होने के समय घर में घुसकर उसे कार में ले जाने की कोशिश की। अपहरणकर्ता ने लड़की को घर से बाहर ले जाकर एक सुनसान इलाके में ले गया। हालांकि लड़की ने बहादुरी से उसके साथ उसका हाथ काटकर अपहरणकर्ता के चुंगल से भागने में सफलता हासिल की। लड़की बाद में नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास गई, जहां उसने गश्त कर रही पुलिस को घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने तुरंत लड़की के माता पिता को सूचित किया और उसे उनके हवाले किया। इस मामले में एक केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। और मेरी बेटी जो है यहाँ से थर्ड फ्लोर से कोई दरवाजा मारा, बाहर बच्ची आवाज आई बाहर से, तो बाहर निकल के आई तो बच्ची का मुंह दबा के पकड़ के ले गया। अब बच्ची जो है यहाँ मेडिकल जो है ये होप हॉस्पिटल है, वहाँ से कार में बैठा लाते बच्ची जो बता रही है, हाँ डरमापे से बैठा के कोई मैदान में को ले जाके वहाँ से सामने की सीट से पीछे बैठा रखा। बच्ची क्या करी, उसका हाथ कतर के कार से निकल के भागी। जब तक वो पकड़ने जाती वो भागती हुई उधर रेलवे स्टेशन पर चली गई, तो मेरे को बच्ची को वहाँ मेरे को बच्ची मिली। हिजबुल्ला ने इजरायली बेस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी प्रमुख माधवी बुच पर अदानी घोटाले में ऑफशोर फंड्स के संबंधों का आरोप लगाया। बिहार में पुलिस ने 850 करोड़ रुपए मूल्य का दुर्लभ रेडियोधर्मी कैलिफोर्नियम पत्थर बरामद किया। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुकी झोपड़ियां तोड़ी, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से पीटा, सामान में लगाई आग। बेंगलुरु के कैफे में छिपा हुआ मिला कैमरा, कर्मचारी पर मामला दर्ज। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसियो डेकोरेटिव सर्फेस अक्रिलक इंटीरियर क्लैड्स नूरानी लिबास रेडीमेड टेक्सटाइल्स स्टिचिंग ई वाज प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।